हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बैक टू ब्यूटी चैनल में आप सबका। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया रेमेडी है जो आपके चेहरे के सारे दाग धब्बों को हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। पिगमेंटेशन हो, एक्ने मार्क्स हो, कोई भी दाग धब्बे हो, रंगत कम हो गई हो धूप की वजह से, सनटैन हो गई हो, ये सबको हमेशा के लिए खत्म करने वाली रेमेडी है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है, इसे कैसे लगाना है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए एक आलू, दही, शहद। आपने एक आलू लेके इसको अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि बाजार से लिया हुआ होता है इस पे गंदगी, डर्ट, मिट्टी लगी हुई होती है जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपने इसे अच्छे से वॉश करके इसके छिलके उतारने हैं। देखिए, लेकिन आपने छिलके ऐसे उतारने हैं कि इसमें थोड़ा सा आलू भी हो, मोटा उतारना है आपने छिलका। देखिए, ये आलू के छिलके, 2 चम्मच दही, आधा चम्मच शहद, आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है आपने कि दही और शहद एकदम अच्छे से मिक्स होके पेस्ट बन जाए। 2 चम्मच दही, आधा चम्मच शहद मिक्स करने के बाद जो आपने आलू के छिलके काटे थे उनको इसके ऊपर ऐसे रख देना है, दही और शहद के मिक्सर के ऊपर। उसके बाद आपने इसे कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आपने यूज करना है। आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो डार्क स्पॉट्स को फेड करती हैं, पोर्स के अंदर जाकर क्लीन करती हैं, जिससे आपकी स्किन तेजी से रिपेयर होती है। हनी डेड स्किन सेल को रिमूव करता है, डल स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ब्राइट बनाता है। दही, इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो डेड स्किन सेल को रिमूव करती है, एजिंग साइन को आने से रोकती है। आधे घंटे के बाद हमारी रेमेडी बनकर तैयार है। चलिए देखते हैं इसे लगाना कैसे है। देखिए, हमारे चेहरे के सारे दाग धब्बों को दूर करने वाली रेमेडी बनकर तैयार है। आपने अपना चेहरा क्लीन कर लेना है। उसके बाद एक आलू का छिलका इसमें से उठाकर अपने चेहरे पर रब करना है। देखिए ऐसे। देखिए, 5 से 7 मिनट आलू के छिलके रब करने के बाद आपने इसे 10 मिनट तक लगा रहने देना है। 10 मिनट के बाद पानी से वॉश कर लेना है। हमारा मिक्सचर सूख चुका है। अब आपने इसे मसाज करते हुए नीचे से ऊपर को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने अपना चेहरा पानी से वॉश कर लिया है। आप खुद देखिए, सुपर सॉफ्ट क्लियर। देखिए आप, इतना बढ़िया फील कर रही हूं कि मैं बता नहीं सकती। आप खुद बनाएंगे, लगाएंगे तब फील करेंगे। फिर मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में
कि कैसा लगा आपको। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, नेचुरल है। आपने इसे रात के टाइम लगाना है, अपना चेहरा क्लीन करके आलू एक छिलका उसका उठा के थोड़ी देर मलना है इधर, फिर दूसरा उठा के आपने जो तीन चार छिलके भिगोए होते हैं वो पूरे एक एक करके पूरे चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद आपने 5-10 मिनट लगा रहने देना है, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेना है बस। कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के चेहरा मॉइस्चराइज कर ले, नहीं तो जरूरत नहीं है, इससे वैसे ही मॉइस्चराइज हो गया है चेहरा। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये हमारी स्किन को फायदा ही देती हैं, नुकसान नहीं देती हैं। फिर भी दोस्तों आप अपनी स्किन पर कोई भी चीज़ लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, बनाइए लगाइए अपने चेहरे के सारे दाग धब्बों को हमेशा के लिए दूर भगाइए, और अपने चेहरे को हेल्दी, ग्लोइंग, स्मूथ, शाइनी बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।